जगन्नाथ रथ यात्रा, ये प्रतीक है हमारी आस्था का, छवि है हमारी समृद्धशाली संस्कृति का, परिचायक है अनेकता में एकता का। वैसे तो लगभग पूरे विश्व भर में जहां भी भगवान जगन्नाथ के भक्त हैं, वे इस रथ यात्रा का बड़े धूमधाम से आयोजन करते हैं। लेकिन ओडिशा में पुरी के जगन्नाथ मंदिर से निकलने वाली रथ यात्रा का विशेष महत्व है। भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण को समर्पित इस पौराणिक मंदिर का सबसे पहला प्रमाण महाभारत के वन पर्व में मिलता है। कहा जाता है कि सबसे पहले सबर आदिवासी विश्ववसु ने नील माधव के रूप में इनकी पूजा की थी। आज भी पुरी के मंदिरों में कई सेवक हैं जिन्हें दैतापति के नाम से जाना जाता है। हर साल आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को जगन्नाथ मंदिर से एक भव्य रथ यात्रा निकलती है, जहां भारी संख्या में भक्तगण रथ यात्रा उत्सव में हिस्सा लेने के लिए देश विदेश से पुरी आते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो भी रथ को खींचने में सहयोग करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही वजह है कि इस उत्सव में शामिल होने वाले प्रत्येक व्यक्ति रथ की रस्सी को केवल मात्र स्पर्श करने के लिए अपना जी जान लगा देते हैं। इस पर्व की उत्पत्ति को लेकर कई सारी पौराणिक और ऐतिहासिक मान्यताओं के अलावा कथाएं भी प्रसिद्ध हैं। कहते हैं द्वापर के बाद भगवान कृष्ण पुरी में निवास करने लगे और बन गए जग के नाथ अर्थात जगन्नाथ। पुरी का जगन्नाथ धाम चार धामों में से एक है, जहां भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। पुराणों में इसे धरती का बैकुंठ कहा जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार पुरी एक दक्षिणवर्ती शंख की तरह है और यह 5 कोस यानी 16 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। माना जाता है कि इसका लगभग 2 कोस क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में डूब चुका है। सदियों से प्रचलित इस रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ मुख्य मंदिर से निकलकर अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर जाते हैं। दरअसल रानी गुंडीचा भगवान जगन्नाथ के परम भक्त राजा इंद्र दयुम्न की पत्नी थी, इसलिए रानी को भगवान जगन्नाथ की मौसी कहा जाता है। अपनी मौसी के घर भगवान 8 दिन रहते हैं और आषाढ़ शुक्ल दशमी को वापसी की यात्रा होती है। रथ यात्रा शुरू होने के साथ ही कई सारे पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं और इसकी आवाजों के बीच सैकड़ों लोग मोटे मोटे रस्सों से रथ को खींचते हैं। इसमें सबसे आगे कृष्ण के भाई बलराम जी का रथ होता है, जिसे तल ध्वज कहा जाता है। इसके थोड़ी देर बाद सुभद्रा जी का रथ होता है, जिसे दर्प दलन कहा जाता है। और अंत में लोग जगन्नाथ जी के रथ यानी नंदी घोष को बड़े ही श्रद्धा पूर्वक खींचते हैं। पुरी में रथ यात्रा के इस पर्व का इतिहास काफी पुराना है। पाश्चात्य जगत में यह पहला भारतीय पर्व था जिसके विषय में विदेशी लोगों को जानकारी प्राप्त हुई। इस त्योहार के बारे में मार्को पोलो जैसे प्रसिद्ध खोजकर्ताओं ने भी अपनी पुस्तक में वर्णन किया है। 9वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने जगन्नाथ धाम की यात्रा की थी और यहाँ पर उन्होंने 4 मठों में से एक गोवर्धन मठ की स्थापना भी की थी।